हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसका लिंक मैं ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में दे दूंगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसके प्लेलिस्ट में जाके भी इसके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ये बात रही इंट्रोडक्शन की। अब हमने पिछले दिन जो पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ये आपका लेक्चर टू रहेगा और आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उसके रिलेटेड आप एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। अगर आपसे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पहले पहले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3 और 4 ऐसे सेपरेट वीडियोज़ को बनाऊँगा। ठीक है, अब ये हो गई बात कंप्लीट। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, ब्लैक रिंग को ज़रूर दबाइए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, अभी तक के टॉपिक को एक बार आपने ज़रूर वीडियो को देख लिया है और ये वीडियो देखने के बाद ही आप इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो बात की थी, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फंडे हैं उसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर दिए हुए एक और टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को नहीं जाने हैं तो प्लीज़ ऊपर वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लाइक टर्म वो होते हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक टर्म वो होते हैं जिनके टर्म काउंटिंग सेम होते हैं और उनके फैक्टर्स टर्म के अंदर सेम होते हैं। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, टर्म काउंटिंग यानी नंबर ऑफ टर्म्स सेम होते हैं और उसी टर्म के अंदर, इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर फैक्टर्स भी सेम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइक। ठीक है, चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी चीज़ नॉर्मली होती है, इसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा कोई हाई फाई या कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। आप जैसे एडिशन करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिक होता है लाइक और अनलाइक को लेकर, लाइक और अनलाइक को लेकर। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल, आज का पहला जो टॉपिक है वो एग्जांपल वन। मैं एग्जांपल वन को आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। देखिए, पहले बात है, इसमें आप देख लीजिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तीनों में तीन तीन टर्म है, तीनों में तीन तीन टर्म है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सबके सब लाइक हो। अगर मैं यहाँ देखूँ कैसे करना है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। पहला मेरे को मिल गया 7xy, तो मैं इसको लिख दूंगा 7xy। फिर मुझे मिलता है प्लस 5yz, प्लस 5yz। फिर मुझे मिलता है माइनस 3zx, माइनस 3zx। ठीक है, अब मेरे को सेकंड में देखना है, जब मैं सेकंड वाला बिठाऊंगा, ध्यान से सुनिए, जब मैं सेकंड वाला बिठाऊंगा मैं लाइक टर्म के नीचे ही बिठाऊंगा, और अगर कोई ऐसा टर्म मिले जो कि लाइक टर्म नहीं है या हमारे पास उससे प्रीवियस एल्जेब्रिक इक्वेशन में लाइक टर्म नहीं है तो हम उसको सेपरेट स्पेस दे देंगे। चलिए देखते हैं, 4yz कहीं पे है, 4yz ये रहा, yz यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4yz, 9zx, चलिए यहाँ पे 9z प्लस में है तो प्लस 9zx। अब क्या है, माइनस 4y, अभी तक हमें ऐसी कोई भी y वाली टर्म के साथ लाइक फ्रैक्शन नहीं मिली है, तो यहाँ पे माइनस 4y मैं लिख दूंगा, ख़त्म। अब नेक्स्ट क्या आता है, माइनस 3x और z, मेरे को xz मिला है, हाँ मिला है। देखिए, z और xz बात एक ही है, क्योंकि 3 × x × z का आंसर जो होता है वो 3 × z × x का आंसर सेम होता है। तो इसको मैं देखिए कोफिशियंट का वैल्यू भी लूँगा, देखिए साइन भी ले रहा है मैंने,
माइनस थ्री जेड एक्स, मैं इसको सेम दिखाने के लिए जस्ट चेंज किया हूँ, जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड ही होता है, प्लस फाइव एक्स। अब यहाँ पे देखिए फाइव एक्स है नहीं, तो मैं इसके अलावा यहाँ पे नहीं, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे मैं प्लस करके 5x लिख देता हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लाइक टर्म मुझे नहीं मिला। देखिए ये जगह मैंने वैकेंट छोड़ दिया। अब माइनस टू एक्स वाई, तो ये रहा इसके नीचे, ये है ना इसके नीचे आएगा माइनस टू एक्स वाई। तो ये है तरीका, अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है बिलीव कीजिए आपको एडिशन आ गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 5x है तो सिंपल 5x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस फोर वाई है तो माइनस फोर वाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस थ्री और माइनस थ्री कितना होता है, माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स प्लस नाइन कितना होगा, प्लस थ्री, प्लस थ्री जेड एक्स। यहाँ पे क्या है, ये प्लस साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो फाइव प्लस फोर नाइन, तो नाइन वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेवन और ये माइनस टू, तो कितना हो जाएगा, फाइव एक्स वाई, ये आपका आंसर जो कि इसके बराबर है। ठीक है, गुड आउट है, ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तरीका क्या है, स्टेप क्या है, पहले वाले को जैसा है वैसा लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल जो टर्म है, इनको हम टर्म कहते हैं, एक एक, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये एक टर्म, ठीक है, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ऐसे टर्म। प्रीवियस वीडियो में टर्म के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वो ज़रूर उसको एक बार देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टर्म के बारे में बात की है, ये टर्म, अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस छोड़ दिया है, यहाँ पे प्लस होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमने टर्म के बारे में, अब हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन में टर्म जो कि लाइक है उनके नीचे ही बिठाना है, और अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसके रेफरेंस में ऊपर कुछ नहीं है तो हम उसको सेपरेट बिठाएंगे। ठीक है, और उसी तरह नीचे अगर नहीं आता तो भी, देखिए जब जगह में हमें स्पेस ही मिला, ध्यान दिखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये स्पेस बना, यहाँ भी कुछ नहीं था तो ये भी एक स्पेस बना, यहाँ भी कुछ नहीं था तो कोई स्पेस बना, फिर इसके ऊपर भी एक स्पेस बना, इसके ऊपर, इसके ऊपर तो दो दो स्पेस बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें हमेशा लाइक टर्म के साथ ही काम करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कोई डाउट है इसमें, चलिए अगर आपने ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन आराम से फुल मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बच्चों को दिक्कत आती, उसको मैं पहले डिस्कस करूँगा। अगर मैं आपको बोलूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ये 10 माइनस 20 होगा और 20 माइनस 10 होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं 10 माइनस 20 होगा, वो जान ले आपका ये तरीका गलत है, आंसर होगा ये। कैसे तरीका हम याद रख सकते हैं, जब भी हमारे पास फ्रॉम, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को, सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 को 20 से, फ्रॉम का मतलब होता है ये फ्रॉम के बाद जो है वो हमेशा पहले आता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, ठीक है, तो इसी तरह फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले आ जाता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल में जैसे फ्रॉम वाला वर्ड आ जाए उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सोचिएगा। तो ऊपर जैसे हमने एडिशन में क्या किया था, आप अगर चाहे एडिशन में कोई भी, ऐसे ये वन है ना, ये टू है, दूसरा एक्सप्रेशन था और ये तीसरा एक्सप्रेशन था, मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही जनरली फर्स्ट में लिखा है, लेकिन एडिशन में आप कोई भी ऊपर लिखे कुछ भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल एडिशन ही होता है, एडिशन में कोई साइन चेंज की बात नहीं आती। लेकिन अगर मैं एग्जांपल टू की बात करूं, देखिए क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट, इसको वन मान लेते हैं, चलिए थोड़ा अच्छे लिखता हूँ, हाँ इसको वन मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, तो क्या होगा, टू से वन को, यानी पहले फ्रॉम आता है,
सिंपल। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसमें 7x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। कोई डाउट है? सिंपल लॉजिक यहाँ तक लिख लिया हमने। अब बात थी नेक्स्ट वाली बात। तो नेक्स्ट में पहला क्या है, 5x स्क्वायर, कहाँ पे x स्क्वायर है, ये रहा। तो आ जाएगा 5x का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4y स्क्वायर, कहाँ पे, ये रहा माइनस 4y स्क्वायर। देखिए वही कॉन्सेप्ट, लाइक के नीचे लाइक बैठ रहा है, लाइक के नीचे लाइक बैठ रहा है। फिर प्लस 6y, फिर क्या है प्लस 6y, तो यह बैठ जाएगा इधर प्लस 6y माइनस 3। बस कर लिया। अब एडिशन में जैसे हम तुरंत ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे तुरंत लाइन नहीं खींचेंगे, यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, इसीलिए लाइन को थोड़ा सा दूर खींचेंगे। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है तो ये जो टर्म है, ये टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। जैसे हमने ये न्यू साइन की, ये जो न्यू साइन है या अपडेटेड साइन से कहते हैं, ये जो अपडेटेड साइन जैसे हमारा आ गया, हम पुराने साइन को भूल जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लू से इसको काट रहा हूँ। यहाँ पर जो प्लस का साइन था वो कट गया, ये भी कट गया, ये भी अभी कट जाएगा, दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, ये कट गया। तो हमारे पास अभी साइन कौन सी कंसिडर होगी, ये वाली अपडेटेड साइन हमारे पास ये हो गई। चलिए तो आंसर ढूंढ लेते हैं। 7 के साथ माइनस 5x स्क्वायर, देखिए पहले प्लस 5x स्क्वायर था, साइन चेंज हो गया तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, कोई क्योंकि उसमें वैकेंट था, तो माइनस 4xy, ऊपर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती। नीचे 8y स्क्वायर, देखिए माइनस था वो चेंज हो के प्लस हुआ है, तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो 12y स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस का वही कोई छिड़खाई नहीं, तो प्लस 5x, यहाँ पे माइनस 3y और माइनस 6y अपडेट होके हुआ था ना, तो माइनस 9y, और लास्ट में माइनस 3 की जगह अपडेट होके हो गया था प्लस 3। देखिए आपका आंसर कितना स्मूथली निकल गया, देखिए मैच किया इसके साथ, तो ये रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर। क्या समझे, यानी सब्ट्रैक्शन में रूल है, सब्ट्रैक्शन का मैं यहाँ पर रूल लिख दूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं एक रूल लिख दूँ, रूल में ए फ्रॉम बी अगर है तो बी पहले आएगा फिर ए आएगा, ये तो समझ में आ गया, ये पहला बैठने का तरीका। दूसरा क्या है, लाइक टर्म के हिसाब से बिठाएंगे, लाइक टर्म के हिसाब से हम इसको प्लेस करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, नहीं, जो ये साइन हुआ वही ऑपरेशन काम बनता है, जो लास्ट में जो साइन हुआ ना अपडेटेड साइन, उसी के ऊपर ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब अगर किसी को समझना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हम ऐसे करते हैं, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिए। मैं छोटा सा प्लेस लेता हूँ और आपको ये चीज़ एक ब्लैक इंक से कराता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक छोटा सा जगह लेता हूँ पहले, हाँ ये जगह ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए मैं अगर ऐसा लिखूँ आपसे एक्स प्लस वाई, नहीं चलिए आपके लिए नॉर्मल चीज़ करता हूँ मैं, लिखिए 2 + 3 प्लस 3 + 4, तो क्या बन जाएगा, 2 + 3 होता है 5 और ये 4 = 7, तो आ क्या आ गया 12 हो गया। ये तो हो गया एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए कोई हमें दिक्कत नहीं था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए क्या दिक्कत होती है।
अगर मैं आप लिखूं 2 + 3 माइनस 3 + 4 तो ये तो हो जाएगा 5, ठीक है। और ये माइनस के बाद देखिए यहाँ पे 3 + 4 क्या हो जाएगा, -5 हो गया। क्यों? क्योंकि ये साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाए आपका, नहीं 3 + 4 कितना, 7, तो -2। अब इसको समझने का और भी अच्छा, अगर मैं आपको एक्सप्रेशन समझाऊँ, देखिए मैं अगर लिखता हूँ x + 2y - 3xy - 2y + 1 तो क्या होगा, x - 2y, अब ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस प्लस में माइनस इनटू ब्रैकेट मतलब इनटू, तो माइनस इनटू प्लस हो जाएगा -3xy, फिर माइनस के साथ ये माइनस के साथ ये माइनस, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, माइनस माइनस में होता है प्लस, तो +2y, फिर इसके साथ ये हो जाएगा माइनस प्लस से -1। तो देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, इसे कहते हैं साइन चेंज या अपडेटेड साइन। रीज़न यही है, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक था, मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ध्यान से दो एग्जांपल को कीजिएगा और एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 उसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस क्वेश्चन 1, फिर 2, फिर 3 और 4, ऐसे 4 वीडियोस आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आई, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों पे इसको भरपूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी सपोर्ट मुझे मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।